अच्छा बाबूजी, पुनः हम गायिका नीतूराज आप लोगों के बीच में एक बड़ा ही दर्दनाक कांड जो अपने ही उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर का एक ऐसी कहानी जो अभी हाल ही हाल में आप लोगों के बीच में घटी है। प्रेमिका के पिता ने ली प्रेमी की जान, ये शीर्षक मिलेगा आपको। हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हमारे बड़े भैया ओपी जी के माध्यम से, ओपी म्यूजिक के सौजन्य से ही भी आप लोगों के बीच में जात बा। आप सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम करत हनी। चार लाइन कवि जी बिरहा के भूमिका में प्यार के एक परिभाषा लिखलन। आइए मास्टर कहना है। शान भारी उसे यार यारी निभाता है सब कुछ गवाई। हद कर दिया कवि की कलम ने। एक ऐसी ही घटना वर्णित सियाराम नीतू यहाँ पे जो चर्चा में आई। बाबूजी, पहले तो हम आप लोगों से एक ही है रिक्वेस्ट करब कि खुदा करे किसी को इस धरती पर किसी से सच्ची मोहब्बत ना हो, और सच्ची मोहब्बत जिसे हो गई तो वह पूरा ताउम्र साथ बिता नहीं पाते। यही कड़वा सत्य है, यही कड़वा सत्य है। किसी ने भी प्यार किया चाहे लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, श्री फरहाद हो, सोहनी महिवाल हो, जिसने सच्चा प्यार किया वो दोनों आजीवन साथ नहीं रह पाए। एक ऐसी ही सच्चे प्यार की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपनी जुबानी। कौन कव्वाली है, कौन की थावा था यह गीत। अरे आंख से छलका, अरे आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब में। लेकिन दो लाइन कवि जी बिरहवा में भाव लिखत हो नोपी भैया का लिखल गई। मालिक तेरी दुनिया कैसी, मालिक तेरी दुनिया कैसी, कैसा तेरा संसार है। तेरे ही हर पल में तकरार है। अरे वाह,
कहले का मतलब ये है बाबू कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे नर हो नारी हो, कोई भी प्राणी हो, लेकिन ये सब एक ही मालिक के बनाए हैं और सब उसी एक मालिक की संतान हैं। लेकिन के कैसे है, के कैसे है, के कैसे यह दुनिया का लोग हुन ए लिए कहे के पड़ाला कोई के कुछ अपने मुँह से कहे के ना चाहिए, क्योंकि सब मालिक के ही भेजे हैं, सब मालिक के ही बनाए हैं। हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले, क्या बात। यही हमें सिखाया गया, यही से हमारे बिरहा का अब कहानी शुरू हो गई बाबूजी। आवाज जनपद गोरखपुर का यूपी में है नाम सुने नौली दो बौली गोला थाना में गांव सुने वहीं के अनिश जी जो पढ़ते विश्वविद्यालय में दीप्ति मिश्रा भी साथे पढ़ी शिक्षालय में पढ़ाई करते ही दोनों में हुई यारी है अधिकारी है गौर करेंगे बाबूजी। वाह, उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर दुबौली उनौली गोला थाना के रेखे वाले अनीश चौधरी विश्वविद्यालय में दीप्ति मिश्रा गगहा थाना के अंतर्गत और वही पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय में दोनों शिक्षा प्राप्त किए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए और जब दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हुए ग्राम विकास अधिकारी बने। इधर अनीश चौधरी और उधर दीप्ति मिश्रा दोनों में प्रेम प्रगाढ़ हो गया और जब दोनों में प्रेम प्रगाढ़ हुआ तो भयल का बाबा एक लाइन यहाँ गीत सटत था, बड़ी सुंदर एक लाइन गीत लगल। आजकल का नयका लड़का गावत हुआ, का गावत हुआ, समय पर अंतरा में कवि जी लिखत हुन अंतरा का हवा कई लिहल शादी खुशी बाय।
देखें बाबूजी, आखिरकार दोनों प्यार किए, दोनों शादी कर लिए। दीप्ति मिश्रा और अनीस चौधरी दोनों कोर्ट मैरिज कर लिए। और इधर दीप्ति मिश्रा का बाबू इल्जाम लगा दे हलन। दीप्ति का बाप नवीन मिश्रा गईले थाने में, आ गईले तो का कहल भाव है तर कौन है। झारस जब पाल सैया लागस कमाल सैया के शिकायत थाने में का कहलन दीप्ति का बाप आवा कहिल है बिचार बाबूजी अनिस गद्दार बाबूजी बाबू आ जा करके बाबू उधर थाने में रिपोर्ट लिखवा दलन कि हमरे बिटिया के लेके फरार हो गए लनिस और न जाने कवन कवन जादू टोना हमरे बिटिया पर कर दिलस मती मार दिलस मार बिटिया ओकरे पीछे पागल हो गई। सारी बात कह के एफ आई आर कह के अलन घरे दीप्ति का बाप इधर अलन तो भैल का तनी लाता मालिक तो के फुर्सत से तवार के दिने बनुले हुआ कहलस गजबे के रूह तोहार गजबे के रूह तोहारी गजब सुरतिया Yeah.
गजब के रूप तुहारी गजब सुरतिया तुम पवलू ना हो गोरी सब के दीवाना पवलू ना हो गोरी सब के दीवाना इधर उस लड़की दीप्ति का बाप जब थाने पर एफआईआर करता है शिकायत के दौरान प्रशासन के लोग अनीश चौधरी के घर पर पहुंचते हैं और जब घरे गईलन कलन की तुमने दीप्ति का अपहरण कर किया है तुम्हारे ऊपर एफआईआर है और अपहरण करके जिस लड़की को तुमने रखा है कलन ऐसा जितना इल्जाम लगाओ था कुल माने के हम तैयार हैं लेकिन जेकर अपहरवा कैले वही से काहे न पूछ लेता हम समन्वय तोरे लिया दे थैला जब दीप्ति आई तब बतावत थी प्रशासन के लोग खड़ा हुआ और सबके सामने वह बता रही है लड़की का देहलस बयान आवा दीप्ति बताई हम कैली हली शादी न भगली सुना बताओ हक बनता है इतना तो मैं पढ़ी लिखी चुकी हूँ इतना तो समझदार हो ही चुकी हूँ कि मैं अपने जिंदगी का अपने जीवन का फैसला खुद कर सकती हूँ और जो मेरे पिताजी ने आपके सामने ये बयान किया है एफआईआर के कि मुझे भगा कर लाया नहीं साथ मैं भाग कर नहीं आई हूँ मैं अनीश से प्रेम करती हूँ और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है और जब मेरी शादी अनीश से हो चुकी है तो जाहिर सी बात है लड़की ससुराल में ही तो रहेगी और मैं तो ससुराल में हूँ सर इतनी बतिया कदे माई बाबू हमारे खतून की पागल हो गई है अब यहाँ पागल के है सरकार सुना कहत वे यहाँ प्रशासन को लोग कैलन का आवा अरे उल्टा पड़ल बेट उनके कपारे बाबूजी जब इतनी बयां वह लड़की देती है न भागल हिसाब न परायल है न पगलायल है हम अपनी राजी खुशी से दोनों प्रेम करते थे दोनों शादी कर लिए कोर्ट मैरिज किए हैं सर तब यही जकन नवीन मिश्रा के उल्टे बेट पुलिस को पड़ल बाबूजी इधर नवीन मिश्रा हताश हो गया हार गया कि जब बेटी वह बयान दे देती है तो एकदम जिसे खिसियानी बिल्ली खम्हान उचे वो वाली हाल भइल नवीन मिश्रा का अब अलगे से एक दूसर साजिश रचल यहाँ वो तब फेल हो गई ना अगली साजिश का रचल और बड़ी भयंकर साजिश रचते है क्या साजिश थी सारंगा में लिखल गया समय बीतल और एक दिन बड़ी जबरदस्त साजिश रचले हैं का करिए सुना चाचा के साथे अपने आनिस जवाना वाहो आनिस जवाना वाहो गैला गोपाली गैला।
मौके पर मारी मारी वही लुहान कैल वही लुहान कैले हो गए गौर करेंगे बाबूजी। एक दिन अनीस अपनी चाचा के साथ गोपालगंज बाजार करने गया था और गोपालगंज बाजार करके जब लौटे लगलन बाबू दिन कवन रहल ही है 24 जुलाई 2021। इसी 2021 24 जुलाई जो गुरु पूर्णिमा का दिन था जहां हिंदुस्तान के लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे थे और उसी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अनीस चौधरी के साथ बहुत बड़ा हादसा होता है। जहां 24 जुलाई का दिन था बाबूजी, जहां हिंदुस्तान के लोग गुरु दरबार में अपनी अर्जी लगा रहे थे और वह मनहूस दिन आया अनीस के लिए। वह गुरु पूर्णिमा का दिन मनहूस साबित हुआ कुछ गुंडों के साथ लेकर के। इधर नवीन मिश्रा रास्ता छेक लेलन बाबू, छेक करके वही मौके पर इतना मरलन बाबू पूरी बदन उसकी छलनी छलनी हो गई। पूरी बदन छलनी छलनी हो गई। आप समझ रहे होंगे कि उस समय का हादसा वह दर्द कैसा रहा होगा। टेरी में कवि जी लिखत हूँ, कहा लिखलन बाबा, कसाई भाई बाबू बन गए, गुंडा भेज के अपन मरवाऊं जमोई। कसाई भाई बाबू बन गए, गुंडा भेज के अपन मरवाऊं जमाई हो, कसाई भाई बाबू बन गए। इतना मारा आखिरकार अंत तो गत्वा परिणाम निकला। अनीस चौधरी मौके पर दम तोड़ देता है और जब देख लिया कि मर गए तो सब फरार हो गए। अरे बाप रे बाप, आज जब फरार हो गई लंत कुन तो इधर भइल का बाबा आवा। अरे लहस के ऊपर घायल चाचा, अरे देवी लाल तब करई पुकार, अरे सुनकर क्षेत्री लोग जुटे हैं भी कह रहे, खबर गई जब अनीस द्वार, अरे छाती पीट के दीप्ति रोती जिसका पूजत गया संसार, आखिरकार वो लाश पर अनीस के चाचा बुरी तरह से बाबू छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। देवीलाल जिनका नाम था, अनीस के चाचा देवीलाल रो रहे हैं। क्षेत्र के लोग अगल बगल के लोग आए, उस रोहाई की आवाज को सुनकर के जब दौड़े हैं, आए देखे सबकी आंखों से झरझर झरझर आंस चल रहे हैं। बाबू कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा जात पात के भेद में हम और आप मर रहे हैं। आज धीरे धीरे जब वह खबर पता चला दीप्ति को, छाती पीट पीट करके वह लड़की दीप्ति जो ग्राम विकास अधिकारी थी रो रही है। मेरी तो दुनिया उजाड़ दिया भगवान, रो करके एक ठे बात कहलिस बाबा, कहा कहलिस, हमके याद जाला वही में छोड़ गई ला सजना हो, साथ जाना रे कसाने भाई।
रही है कि ना बहन जिले का कोनो सुख पौली, ना शादी का कोई सुख पौली, ना आधी ना थोरी, ऐसे यहाँ अदजल में हमके छोड़ के कहाँ पर आ गईला। रोवत बड़ी दीप्ति मिश्रा, ए बाबू जिकरे रोले बन का पतई झरत बा। बारे भगवान, ऐसन परिवार कभी लोग होलन जवन माई जवन भाई जवन बाप इतना प्यार दुलार दे के बेटी के बड़ा करेलन हो बाबू, आज वही बेटी बेटा खातिन इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन जालन बाबू, कैसे बन जालन। एक बात कहती है वो लड़की और का कलश पापड़ से भाव बाबा। कि बहिनी के सुख ना देखल बिरानवा मनवा बाउर बा, अब बाप के दिल में बैठल बा सैतनवा मनवा बाउर बा। अरे जात पात का झूठी शान में भाई बाप भाई पागल हो, सुबह छपाई अखबार तो पढ़ के सबको सदमा लागल हो, अपने बिटिया का लूटल बा जहनवा मनवा बाउर बा, आखिर कबले जरी है हिंदुस्तानवा मनवा बाउर बा। वही भाई बाप आखिरकार अपने की बहन बेटी की दुनिया उजाड़ कर कैसे सुखी रह सकते हैं, ये सवाल है मेरा आप लोगों से। इतना ही दर्द था तो और पहले कुछ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन जब उसने अपनी दुनिया को बसा ही लिया तो छोड़ दिया गया होता उसे उसके हाल पर। यही मेरे आप लोगों से कहना है। लेकिन कभी लिखते हैं आल्हा लगावा जात पात के भ्रम में, अब ही हम लोग डूबत उतरिया थे, कहे के पड़ल आल्हा लगाओ बाबा। याद आ रही है 50 साल पहले भी लोग प्यार से जलते थे, 100 साल पहले भी प्यार से लोग जलते थे, लेकिन आज भी प्यार से जलने वाले लोग हैं। ये कहानी दर्शा रही है क्या होता है प्यार। कवि जी लिखत हुन आवा, जाति पाति मजहब से बढ़ के प्यार पावन बाबू, सबका मालिक एक है, सभी उस मालिक की संतान है, और सबका खून लाल है, फिर क्यों जाति पाति मजहब में पड़े हैं।
जाति पाति से उठकर ऊपर आइए, प्रेम दुनिया में सबसे बड़ा कुछ है इस संसार में, तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है बाबूजी। लेकिन बाहर दुनिया के लोग अभी भी जाति में फंसे हुए हैं। कहाँ जा रहा है हिंदुस्तान? तो कबीर जी लिखते हैं, क्या लिखे, आखिरी लाइन है, तो ऊंच नीच का विचार जब लर रही हद सुन, तब ले आए दिन घटा नवा सुन है देश में। जेल गईल चार हो, बारी बारी पुलिस करे सबके गिरफ्तार हो, जल्दी न्याय मिली सबकी फसल बाके सुन में, तब ले आए दिन घटनावा सुनैया देश में। कानून के हाथे में जे ले मोरे भाई, अपन सत्यानाश कई के जेलवा में जाई, अपने घोड़े में कुल्हाड़ी जबल मरी देश में, अपने घोड़े में कुल्हाड़ी जबल मरी है देश में, तब ले आए दिन घटा नवा सुन है देश। बाबूजी आखिरकार जब से ऐसे ऐसे लोग छुआछूत से और जाति मजहब से ऊपर उठ करके नहीं आएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी, आए दिन होती रहेंगी। यही कहानी समाप्त हुई। खानदान का परिचय, 17 लोगों का नाम दर्ज हुआ जिसमें 4 लोगों को जेल हुई और 4 लोग आज भी जमानत नहीं हुए जेल में। कहानी लिखे जाने तक 4 लोग अभी भी जेल में है। कहना पड़ा गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, कसाई माई बाबू बन गए नीतू सिया राम का रक्षक मैहर भाई।
कर मोर रामा हो राम। अच्छा बाबूजी, मैं बिरहा गायिका पूजा निगम अपनी पूरी टीम की ओर से आप लोगों के बीच बड़ा ही शानदार कांड भेज रहल बानी। उम्मीद बा कि आप लोगन के बेहद पसंद आई और हमरे बिरहा के शीर्षक बा बिन सिंदूर सुहागन उर्फ बाप बना सौदागर। ए भैया, कहानी कहाँ के बा, कैसन बा, आप लोग जरूर सुनी हा। वादा बा ए भैया, बिरहा सुनला के बाद कलेजा पिघल जाई और आप लोगन से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि आप लोगन ओपी म्यूजिक चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। आप सभी हमारे बिरहा के ढेर सारा प्यार दी हम, आशीर्वाद दी हम। भूमिका की लाइन है भैया, भले दे ना जीवन में गम मेरे मालिक, पर दे करी के बेटी गरीबी न देना। आहोवे अनाथ ना जो बिटिया का बचपन, आ किसी बेटी को बदनसीबी न देना। अब बेटा हो ऐसा जो रखे कुल का पानी, अस्वार्थी हो ऐसा करीबी न देना। कभी चंचल बनी आज जाली ये दुनिया, जीवन साथी किसी को फरेबी न देना। उस मालिक से, उस खुदा से ये विनती है, ये फरियाद है कि ऐ खुदा, अगर किसी को बेटी देना तो गरीबी ना देना, अगर बेटी देना तो धन देना, अगर किसी को बेटा देना तो ऐसा देना जो कुल का पानी बचाए, कुल का मर्यादा रखे। हे प्रभु, अगर किसी को संतान देना तो अनाथ मत करना। हे मालिक, अगर किसी को जीवन साथी देना तो फरेबी मत देना। बा, बा, बा। मालिक से विनती है, नहीं हो रहा है ए भैया। लेकिन आजकल के जमाना में, एक कलयुग में ए भैया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा बा। तो उस खुदा से फरियाद है, उस मालिक से कहना है, कभी जी बड़ी सुंदर लाइन निकले हुआ पर गजल का अंदाज है भैया, कैसे क्या बात है। गुलाब भैया जवाब ना है तुहार, ये कहना है क्या। अरे जिंदगी में, अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। इस दुनिया में भी तो झांकिए, अपनी इस दुनिया को देखिए, एक नजर कहना है कि मेरे मालिक, अरे मेरे मालिक, जहां में तू झांको जरा, कि मेरे मालिक, जहां में तू झांको जरा, तेरा दिल कर शरम से छुपा जा रहा। मेरे मालिक, तू झांको जरा, तेरा दिल कर
अस्तित्व मानो खत्म कर रहा गागा, तेरा अस्तित्व मानो खत्म कर रहा ये सच्चाई है भैया। प्रभु ने दुनिया बनाई है लेकिन दोष भगवान का भी नहीं है इसमें। क्यों दोष नहीं है? इसलिए नहीं है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो खुद को भगवान समझकर, खुद भगवान बन करके इस दुनिया से अपने आप को पुजवा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरे यहाँ आइए आपका सभी संकट बाधा दूर हो जाएगा। ऐसे दरिंदों के वजह से भैया देखिए भक्ति भाव धर्म का पतन हो रहा है। कहना है क्या? तेरा अस्तित्व मानो खत्म कर रहा, तेरा अस्तित्व मानो खत्म कर रहा, चक्र तेरा भंवर में रुका है कहाँ। शुरुआत भइल नजम के लाइन है, समय के चक्र से कोई न बचने पाया है, समय के चक्र से कोई न बचने पाया है, नाच समय ने यहाँ सबको ही नचाया है। गुनाह कोई सजा कोई झेल रहा, करता गुनाह कोई सजा कोई झेल रहा, अरे विधाता तू भी कैसा खेल खेल रहा। जिला फैजाबाद में अयोध्या की हकीकत है, जिला फैजाबाद में अयोध्या की हकीकत है, राकेश पांडे के ही दुख भरी मुसीबत है। पत्नी चंद्रकला शंकर जो गुजारा हो, पत्नी चंद्रकला शंकर वो गुजारा जो, एक ही बेटा विजय जीवन का सहारा जो। करात पूजा पाठ घूम के जजमानी में, करात पूजा पाठ घूम के जजमानी में, भड़की है ज्वाला एक दिन राम की राजधानी में। झगड़े में मंदिर के पति पत्नी दम को तोड़ चले, झगड़े में मंदिर के पति पत्नी दम को छोड़ चले, बिलखते विजय को जो बेसारा छोड़ चले। देखे बाबूजी कहानी पर गौर करी हन, ए बाबूजी जिला फैजाबाद मशहूर नगरी अयोध्या के रहने वाले राकेश पांडे जी, पत्नी चंद्रकला पांडे, दोनों पति पत्नी के बीच मालिक एक संतान देले हुआ। आए हाय हाय। बेटा जिस बेटे का नाम विजय पांडे है, बेटवा को उम्र ये बाबूजी 8 वर्ष का बतावल गई। बाबा दोनों पति पत्नी है भैया गरीबी में गुजारा करत हुआ, बेटवा के प्यार से दुलारत हुआ, बिटवा का पालन पोषण करत हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि भगवान श्री रामचंद्र की उस राजधानी में भैया ज्वाला भड़क उठी, यानी मंदिर के झगड़े में चारों ओर बात भी बात बढ़ा, हाहाकार मचा, जन सैलाब हुआ। जिस जन सैलाब में हाहाकार में दोनों पति पत्नी दम को तोड़ दिए, छोट मासूम बिटवा के छोड़ के चल गईला, अनाथ कह के चल गईला,
छोटा बेटा ये भैया विजय रो रो करके बेटवा का बुरा हाल बा। आठ बरस का लड़का ये भैया भूख लगत बा प्यास लगत बा आगे पीछे कोई ना है। रो रो के बेटवा ये कहत बा कि हमार जीवन कन्हैया कैसे आखिर पार हुई कैसे भैया गीत लग गई। एक कोई भक्त कह रहा है भैया बाबा बा। क्या हे बीरा काशी बता दे कितना दूर पैरन में छाला पड़े गए। यासु गारने वरिया कैसे पार होई लड़का रो रो ये कहे जे भी बेटा यानी वो छोट बचवा ये भैया भीख मांग के अपन रोजी रोटी चलावे लगल बा। जहाँ भी भीख मांगे जाकर केहू दुदकारे तो यह कहे मुले बाबू और मटरिया मांगेलन द्वारे द्वारा नेवरिया कैसे पार होई ए भैया भिखिया मांगेलन द्वारे द्वारा नेवरिया कैसे पार होई ए भैया भिखिया मांगेलन द्वारे द्वारा नेवरिया कैसे पार होई। भीख मांग के बचवा ये बाबूजी अपन गुजारा करत बा धीरे धीरे समय बीतल विजय पांडे जब जवान भइलन बाबा विजय पांडे जवान हो गए मानन गांव का लोग देख लो गांव का लोग कहला कि आखिरी पंडित जी बचपन से लेके आज तक भीख मांग के अपन रोजी रोटी चलावत हुआ लेकिन अब हमनी के इनके बारे में सोचे के चाही तो ए भैया गौवा वाला का सोचला गीत लग गई। कर मरद रोज परक गई रहे उस शाम का अपन फोर व्हीलर उठावे चल जाए भैया न जाने वो कहा जा जावे तो माऊ करे दुलही कहला की सुना शौक से जाल लड़खड़ा के आवेला चार को बोली हमरो की सुनवावेला हमके तो बोलबे करेला जो नमार गति हो दिया तो तो होते बा एगो तू काम कर की घर में कमवा कर बारवा करके आवतरा कहतिया का अरे घर ही में महाजा राजा घर ही में महाजा राजा लेला पियर बार के बाहर के हो राजा पियर बाहर के राम भैया समू भैया अरे पिलाये बलमुआ पिलाये बलमुआ घोड़ी में पिया आज
नजर घूमल करता हर के करतार के हो घूमल करतार के आ जेकर भी बिगड़ल ले जेकर भी बिगड़ल ले देखावा ले सवार के जेकर भी बिगड़ल ले देखे हो बाबूजी सच्चाई बा अगर मालिक जेकर बिगड़ले हुमन बाबा बना करके भी मालिक दिखाए हैं ये प्रमाण है ये सत्य है बाबा गांव के लोग ये है सोचलन बाबा कि पंडित जी का हमनी का मिल के कुछ अपना ओर से लगावल जाई तो बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाई हमनी का इनका शादी कर देहल जा जब इनका शादी हो जाई तो भीख मांगल छोड़ दे हम परिवार का जिम्मेदारी आई तो कमाए चल रही है भीख मांगने वाला काम खत्म हो जाये कैसे से मदद मिलल शादी हो गईली आप बन करके दुलही नीलम घर अली आज पर लुटावे लगली नीलम अपना प्यार के अपना प्यार के हो नीलम अपना प्यार के आज जेकर भी बिगड़ल जेकर भी बिगड़ल देखावा ने सवार के जेकर भी बिगड़ल पंडित जी के शादी कह दिया नीलम नाम का दुल्ही है भैया घर में आयल बा घर में खुशहाली छा गई पंडित जी और दुल्ही यानी दोनों पति पत्नी मिल गए भैया हंसी खुशी अपन जीवन बितावे लगला प्यार का माहौल परिवार में घर में बनल है धीरे धीरे समय बीतत बा और नीलम दुल्ही के तन से एक बिटिया भैली जोना बिटिया का नाम बड़ा प्यार से दोनों परानी मधु रखला मधु बिटिया ये भैया प्यार से बिटिया के खिलावत हुआ दुलारत हुआ लेकिन हाई देखा गीत लग गए कहना भैया क्या ओहो कौन मेहरारू से हो बाबा बार मेहरारू ओकर सखी सले हर मजाक करत हई हाय 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 का हो सखी आखिर तुहार पहले से बहुत चेंजिंग आ गल बा तोहरा में तू कहत ये चेंजिंग का आ गल बा खुल के लोग कहा जाना अना कहब जत लो जा हम बतावत हई खाली हमरे सैया के प्यार कर देन हो बाबा कहत बा का हो पहले पातर रहे दहिया अब मोटाई गइल बा के फोन करके भी बुला दिले से कि ना हमरा बिना ऊ ना उनका बिना हम एको पल ना हमनी के रह सकेली जा का कहत बे पहले पातर रहे दहिया अब मोटाई गइल बा गौना ले जा ए बलमुआ मन गोटाई गइल बा मैं बिताबे लगल दिन ये बाबू हंसी खुशी मैं बिताबे लगत
लदीन ये बाबू आ कर पूजा पाठ बिताबेलन लदीन ये बाबू कर पूजा पाठ बिताबेलन खुशी है लेकिन नीलम के चेहरा पर एक उदासी बा। काहे बदे उदासी है? कैसे लिहली जन्म एक मधु बीतिनी बात एक दिन बोली दुलही रोज पढ़े महंगाई दिन दिन ये बाबू नाही घर बात नाही कुछ जमीन ये बाबू नाही घर बात नीलम है भैया अपना पति विजय से समझा के कहा तड़ी सैया जी बाबा जबले चलत बा तबले रोजी रोटी तो चलते बा लेकिन हमनी का जो नहीं बिटिया पैदा भइल बानी एक दिन सयान होया इनका शादी करे के होई रहुआ यह जजमानी वाला काम शुरू कैले बानी ऐसे कहा चली खाली घर कई खर्चे चली ये हमनी का मेन मौका ना संभाल पाई ता सयान जी रहुआ एगो काम करी कि बिटिया के शादी करे बदे रुआ के कमाई धमाई के पड़ी देखा हूँ बाबूजी बात बहुत बढ़िया लगल बदुलही का विजय पांडे बात के मान गेलन आ बात के मान के कहला दुलही हमरे आंख के पट्टी खोल देलू सच में हमके कमाए के चाही कहाँ से महंगाई के जमाना में कैसे आखिर काम चली और ये जजमानी के पैसा रुपया से राशन पताई से काम नहीं चल पाई आखिर ये भैया एक दिन दोनों परानी योजना बनाई के कि मुंबई जाइल जाई वही जा कुछ काम धाम कैल जाई रुपया कमाइल जाई बिटिया सयान हुई शादी धूमधाम से कैल जाई दोनों परानी चल देना ये बाबू और जब इटारसी स्टेशन पर ये भैया ट्रेन जब पकड़ ला देखे ये बाबू जी मालिक का नजर टेढ़ हो गई बा आखिर भैल का विदेशिया का लाइन है कि पहुंचल बा गाड़ी जब इटारसी स्टेशन हो अरे पनिया भरन गईले आ विजय जवनवा आ भीड़ भारी लगल रहे नल के जो आसा पासा आ वही जब बदली गईले ए बाबू विधि के विधनवा आ भरी करके पानी जैसे चला वही छनामा में आ जाई चुकल रहे गाड़ी देखले जाबू समनवा आ पूरा परिवार तब वही जगह बिछड़ी गईले आ पहुंचल बगाड़ी ये बगर बॉम्बे दर मायनवा देखे हो बाबूजी पत्नी ट्रेन में बच्ची को लेकर के बैठी थी नीलम विजय ट्रेन से उतरला पानी लावे बदे गईलन ए भैया पानी लावे में देर कई दिहला और गाड़ी छूट गई यानी नीलम छोट बच्ची के लेके मुंबई पहुंच गईली और इधर विजय परेशान कोनो गाड़ी जात नहीं बा यानी कोई ट्रेन जाए वाली ही नहीं खे ट्रेन ए बाबूजी दूसरा दिन धैला
विजय तीसरा दिन जोन बा मुंबई पहुंचला। उधर पत्नी बच्ची को लेके परेशान है, रो रही है, बिलख रही है, जोन भी ट्रेन जा, जोन भी भैया गाड़ी आवे, बेचारी है भैया चौंची हा के देखे, लेकिन कहीं पति नजर नहीं आवत बाना। आखिरकार ये भैया इधर जब विजय पहुंचल बाना, विजय भी अपने पत्नी के खोजत बाना, भटकत बाना, खोजत बाना, लेकिन कहीं पत्नी और पिटिया नजर नहीं आवत बाड़ी। परेशान हो गईलन, इधर दुल्हन तो परेशान ही है, आखिर इधर कैसे हूँ झंख के मन मार के भैया एगो काम कैल का गीत लगल भैया। पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में, लेकिन ये भैया काम ये करत हुआ, तमाम तमाम जितना भी संगी लोग रहे कुछ गांव का फोन करके पता लगवेला, लेकिन कहीं पता ना चलल बा दुलही इधर बेहाल भइल बा। अरे खोजी हेरी नीलम, अरे खोजी हेरी नीलम, परेशान भइली मुंबई जी हेरी नीलम पर सान भैली मुंबई में। नीलम पति का फोटो लेके पूछत बाड़ी केहू ये आदमी के देखले बा, केहू नहीं बतावत बा ये बाबू। आखिर इधर देखे मन मार के बैठल हुआ विजय, विजय सोचलन कि आखिर ऐसे ही मन मार के बैठब, दाना दाना बदक तड़पे लागल। आखिरकार भैया अपन कारोबार स्टार्ट कर दिल, कैसे एक और खोज घूम के विजया सजनवा हो, कसी चलावे लगले शहर दरमयनवा हो, कसी चलावे लगले शहर दरमयनवा, कसी चलावे लगले शहर दरमयनवा। साजन बिना जिंदगी बिरान भैली मुंबई, बिरान भैली मुंबई में, जिंदगी जकारा सुनसान भैली मुंबई में। आखिरकार हो बाबूजी विजय जोन बा टैक्सी का काम यानी टैक्सी चलावे लगला और अपन भरण पोषण करे लगला। धीरे धीरे समय बीतत बा, अपने अंडर में भी ये भैया बहुत सारा टैक्सी चलवावे लगला, बहुत सारा रुपया कमाए लगला, लेकिन ये भैया वो रुपया ही का कि जब परिवार नहीं बा। इधर जोन बा नीलम बिटिया के लेख बिलखत बाड़ी कि आखिर ऐसे बिलखब लोगन से मांगत बानी केहू कुछ देत नहीं बा। आखिर नीलम ये भैया जा जा के जोन बा लोगन के दरवाजा पर काम मांगे लगली, और नीलम के एक दिन काम मिल गई यानी चौका बर्तन, चौका बर्तन लोगन के घरे में करे लगली, आ बिटिया के संगे अपन गुजारा करे लगली। धीरे धीरे समय बीतल बाया भैया, जब 15 बरिस बीतल बा तब भइल का, अरे वह दिन गया वह रात गई, अरे वह दिन गया वह रात गई, वह बीत गया कितने गहरे, दिन 15 बरस है बीत गया, दिन 15 बरस है बीत गया, मधु भई जवान है दिन गहरे। चौका बर्तन करती नीलम, अरे चौका बर्तन करती नीलम, घूम घूम कॉलोनी घरे घरे, अब विधना का दिन दूर हुआ है, अरे विधना का दिन दूर हुआ है, हरे राम जी हरे हरे।
यानी हो बाबूजी बिटिया मधुशयान हो गईली तो परिवार पे वो नीलम पे भैया बहुत भारी मुसीबत आ गई, यानी नीलम के दिल में सुराग हो गई। नीलम परेशान हो जा, तबियत खराब होत बा। बिटिया मधु के बतौलिया, मधु मम्मी के दही के रोवत बा कि मम्मी भगवान हमनी के नसीब में का लिखले बाना, हमनी के नसीब में का लिखले बाना, तो बतावे लो कि पापा भी ना मिलना, पापा भी नहीं खन, आखिर मम्मी कैसे तुहार इलाज होई। माँ एकदम से भैया बेसुध हो गई है। वह बिटिया ठान लेती है कि चाहे जैसे हो भी मम्मी का इलाज हम कराई। माँ को ये भैया इलाज कराने के लिए दर दर भटक रही है कि कोनो काम मिले कि माई का इलाज कराई। भैल का भैया गीत लगला जा। के डोरिया के डोलिया बनल हो पे निमी के पतई ये वहार दादर के बिटिया परेशान है, कहीं कोनो काम नहीं मिलत माँ, लेकिन बिटिया माँ का हालत माँ के बिगड़ते हालत के देखली, खुद के रोक ना पौली, चल गई लेके दादर के हॉस्पिटल, ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करौली। डॉक्टर जांच किया, तुम्हारी माँ के गुर्दे में सुराग हो गया है। और ये बच्ची है लड़की, इसका ऑपरेशन कराने में 1,00,000 रुपए का खर्चा है। बिटिया लाचार हो जाती है सुनकर के। कैसे डॉक्टर 1,00,000 रुपया दे हाले सुनाई। गोड़ धके रोवे बेटी कहाँ से लिया। डॉक्टर कहेलन दूध का
देखे हो भैया, 1,00,000 रुपया के सुन के बिटिया चौंक जाती है कि डॉक्टर साहब इतना पैसा हमारे पास ना है। डॉक्टर दुदकार करके भगा देता है कि ये लड़किया ले करके जाओ अपनी इस माँ को, तुम्हारे ऐसे कितने मरीज कितने ऐसे सदस्य आते हैं और यही बहाना बनाते हैं, अगर पैसा नहीं तो इलाज नहीं होगा। लड़की ए भैया मधु डॉक्टर साहब का पैर पकड़ के लगल रोवे, साहब हमरे माई के भर्ती कैली, हम कोनो न कोनो उपाय लगा के हम पैसा लेके आई। डॉक्टर बोला कि ठीक है मैं भर्ती कर लेता हूँ, लेकिन 15 दिन के अंदर अगर तुम पैसा नहीं लाओगी तो 15 दिन के बाद मौत पक्की है, तुम्हारे माँ का मौत निश्चित है। लड़की ए भैया तुरंत हॉस्पिटल से जैसे ही बाहर निकलल बा कि एक सेठ जो है अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके फोन पे बात कर रहा था। लड़की वो सेठ के हुलिया के दिखला, समझ गई कि ये साहब से मदद मांगा तो हमारे कुछ हेल्प हो जाए। जा करके उस सेठ से कह रही है कि साहब हम बहुत लाचार बानी, रउआ हम के अगर कोनो काम दिला दे, जोन रउआ काम दिलाए हम काम कर ले। तो साहब बहुत ही बढ़िया रही, तुम्हारे माई का ऑपरेशन करावे के है, ऑपरेशन में 1,00,000 रुपया का खर्चा बाहे साहब। ए भैया वो सेठ जो है उस मधु को देखा है, मधु के खूबसूरती के देखल पिघल गए, वहा कितनी सुंदर ये लड़की है। उस सेठ वो लड़की से देखा मधु से बहाना बनावत बा, यानी बात बना रहा है कि ए लड़की तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको अपनी फिल्म में काम दूंगा और तुम्हें पैसा भी कल ही परसों मिल जाएगा। लड़की कहती है ठीक है साहब, मैं माँ से जरा बता करके आऊं। तुरंत जाके माँ से बता करके आती है कि माँ चिंता मत करना, हमके फिल्म में काम मिल गई ला और 1-2 दिन में पैसा हम ले आए, डॉक्टर साहब के दे दे, तुम्हारा ऑपरेशन होई तो स्वस्थ हो जाइबू। इतना कह करके ओ सेठ के संग ही बिटिया चल गई लिए भैया। लेकिन बाहर ये भैया मालिक महिमा विधि का विधान कि वो सेठ जो है उस बिटिया के साथ करता क्या है। भैया गीत लगल, गीत के तारा भाव पर आ जा। दही के रुपया सुना, दही के रुपया सुना ले बिटिया के गे, अरे दही के रुपया सुना ले बिटिया के, चल बिहले से खाऊ सहा तुम जल्द ही हीरोइन बन जाओगी। लेकिन बाहर वो पापी, उसके मन में भैया पाप आ गया है, मलाल हो गया है, लेकर गया अपने दोस्त के घर और बिटिया के साथ जघन्य जघन्य अपराध को अंजाम देता है। ले के पहुंचले ये का दोस्त के घर के पहुंचले ये का दोस्त के घर हो, बारी बारी कहने बलतकार हो अपने दोस्त के घरे। ये भैया उसके 4-5 संगी थे, अपने 4-5 साथियन के साथ बिटिया के साथ ये भैया बहुत ही बड़ा दुराचार कर देता है, बिटिया के आबरू को बारी बारी निष्कमीना पापी लूटे लगला। रो रही है 15 साल की मासूम मधु, कह रही है क्या भैया पाऊ आप पकड़ के भाई
कह के चिराई गए के भैया जा बेच दिहले कोठावा के ऊपर ले जाके भैया होई गईली बिटिया लाचार हो बाबूजी बिटिया लाचार है चारों पांचों पापी बारी बारी बिटिया के आबरू के लूट ले ला ढक रही है बिलख रही है एक भी नहीं सुने और आबरू को लूट करके ले करके गया वो सेठ है भैया बिटिया को कोठा पर बेच दिया कोठा पर बिटिया गई अब तो और ही लाचार हो जाती है बिलख रही है माँ को याद कर करके तड़प रही है खैर देखें धीरे धीरे समय बितलवा और जब ये भैया 15 दिन का समय बीतल तो भैल का भैया टेरी कलाइन है अरे बिधाना माँ आज बे बिधाना तोहरो अरे बिधाना माँ आज बे बिधाना तोहरो अब बाप ही लूट गईल आज इज्जत के गहनवा हो गहनवा बिधनवा अजबे बिधना तोहरो पाप ही लूट गईल आज इज्जत के गहनवा बिरहा सुनने वाले आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर बाप ने कैसे लूटा तो मैं बता दूं वह सेठ कोई और नहीं वह विजय पांडे था जो मुंबई में टैक्सी चलाया अपने अंडर तमाम टैक्सियों को चलवाया अपना पर्सनल चलवाया पैसा कमा कमा करके अमीर हो गया पैसा वाला हो गया बाबा लेकिन हो बाबूजी सच्चाई केहू के दुनिया में छिपल ना है आज ना तो कल सच्चाई के आवे के है आखिर भैल का 15 दिन जब बीतल बा तो उधर डॉक्टर जोन बा नीलम के हॉस्पिटल से भगा देना कहे के पटल भैया पापट के लाइन है अरे विधाना गजब विधान दिए बनाई नश्वर दुनिया में अरे विधाना गजब विधान दिए बनाई नश्वर दुनिया में आजस करनी एहसास दिए कराई नश्वर दुनिया में भैया हॉस्पिटल से बाहर निकली है पापी मुदयन के तन को दया ना आई लड़खड़ाती वह मरीज जैसे ही बाहर हॉस्पिटल से निकली कि हुआ क्या क्या अरे धीरे धीरे बीत गयल जब 15 दिन समैया हो अस्पताल से नीलम के भगौले मुदैया हो अरे जाकर एक कार से टकराई नश्वर दुनिया में अरे जाकर के एक कार से टकराई नश्वर दुनिया में अरे जस करनी एहसास दिए कराई नश्वर दुनिया में से बाहर निकलते वक्त एक कार से जाके टकरा जाती है कार से वो सेठ निकलता है डांट रहा है कि आए औरत तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या आवाज के सुनने बड़ी नीलम है भैया पहचान गई ली कि आवाज
हमरे सैया का जैसे ही मुड़ के देखले बाड़ी मालिक का महिमा भी गजब है ये भैया। विजय भी यानी वो सेठ विजय थे, विजय भी अपना पत्नी के पहचान गए आ देखला पत्नी का दशा हालत के आवाक हो जाते हैं। पत्नी के तुरंत गाड़ी में बिठाना और ये भैया सॉरी आवाक हो जाते हैं पत्नी के तुरंत गोद में उठाना और ले जाके वही हॉस्पिटल में भर्ती करावत हूँ। पूछत हुआ डॉक्टर को बुला करके कि ये मरीज आपके हॉस्पिटल से निकली है, मैंने देखा है आप क्यों निकाले हैं। डॉक्टर सारी बात को बताया कि इनके गुर्दे में सुराग है और 1,00,000 रुपए की जरूरत है, पैसा नहीं मिलेगा, इलाज ऑपरेशन शुरू नहीं होगा। खैर पत्नी के भैया कुछ पूछत आछत नहीं हुआ, देखा भर्ती करोले हुआ, 1,00,000 रुपया जमा कैला, ऑपरेशन चालू हो गई। तो आल्हा में कहे के पड़ल का अरे धन्य हो गोसैया धन्य, अरे धन्य हो गोसैया धन्य, आज लेखनिया तोहरो लिखला लीलार जमन कबो नाम जाय आप बिछड़ल पखेरुआ पिरिया के पावे भैया। क्या बात है, क्या बात है, जौन दिन देला आप उना के मिलाय नीलम के उठा के ले गईले अस्पतालवा में हो बाबा बाबा आप भइल इलाज तब होश गईलिया आप बहुत जगह खोजली कहीं ना भेटलू रनिया बिटिया मधुबा कहा दे तू हो दिखा। देखे बाबूजी ऑपरेशन शुरू भइल, धीरे धीरे समय बीतल, 1 महीना बीतल, पूरी तरह से नीलम स्वस्थ हो जाती है। बातचीत दोनों पराने आपस में करत हुआ, लेकिन विजय अपना वो बिटिया के पूछत बाना जो मासूम बिटिया रहा, पूछे लगला नीलम से, नीलम बतावत बड़ी कि सैया जी बिटिया हमरा बीमारी खातिर रुपया खातिर जोन बा हमसे वादा कह के कुछ कह के गईली, कहा कह के गईली बता रही है भैया कैसे सदर अल्लाह। आ रोई रोई नीलम सारी बतिया बताने फिल्म में काम करे गईल बा सोचला विजय जगे बचली कोठा बापे आ सोचला विजय जगे बचली कोठा बापे आ यही अस्पताल वास संगा वाले जाया चल भी जाए देखा वही कोठा बाप अधीरा जब बधा में तोहर आई बीत ही निया कहूँ चल भी जाए वही कोठा बाप पर जा अब बेटी के छोड़ाई अपने लाइने भवना बाप तुहार इहे नीलम देहाली चिन्हा अरे मधु की टिहनिया तो बोला ली बचनिया मधु की टिहनिया तो बोला ली बचनिया अब रुक हमारे लुटेरा ही तबा बा। लगली बतावे की बिटिया ये सैया जी बीमारी खाती पैसा खाती के
बीमारी के हमरा देख के पैसा खाते के हमसे कहले कि माई हम जात बनी फिल्म में काम मिल गई ला, लेकिन बिटिया लवट के नहीं आईली। ये बतिया कि जब वो सेठ हुआ विजय सुना है, अरे बाप रे बाप, दिमाग का बत्ती ये भैया गुल हो गई। याद किया कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि वही लड़की है, उसे आभास हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि वही लड़की है, वही हमारी बिटिया है, जो ना बिटिया के संगे हम दुराचार कह देली, अपन मुंह काला कह देली। आखिरकार ये भैया वो सेठ हुआ विजय पांडे ही गया उस कोठे पर, बिटिया को छुड़ा करके लाया। कुछ नहीं बता रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे माँ से मिलवाने जा रहा हूँ, चुपचाप गाड़ी में बिठाया ले करके आ रहा है। जब बिटिया को लाया उसके माँ के सामने, बिटिया माँ को देख रही है और अपने उस इज्जत के लुटेरे को देख रही है। बिटिया रो रही है, आंख से आंसू का धार चलत बा, कलेजा फटत बा, ये मन करत बा कि कब ये दरिंदा के मार दे। लेकिन देखा भैल का बा, ये भैया वह विजय वह सेठ अपना मुंह से ही जुर्म कबूल रहा है, सारी बात को बता रहा है, खड़ी लाइन है। अरे कैली भूल भयानक, कैली भूल भयानक बन हत्यारा बिटिया गागा, अरे कैली भूल भयानक बन हत्यारा बिटिया गागा, आ गोली अपने हाथ सिनेमा में मारा बिटिया, बताई बिटिया तेरा पिता है। ये बिटिया के तो भैया कलेजा में आग लगल, माँ से बोली कि माँ ये मेरा पिता है, इसने हमारी इज्जत को लूटा है, वह जुर्म है कबूल किया है विजय पांडे नीलम, कहे लायक मुंह देखाओ लायक हम ना बनी, बहुत भारी दुराचार अपने ही बिटिया के संगे कई देनी, पैसा के लालच में इतना अंधा हो गई ली कि ये हमें दिखाई ना देहलस कि जो इंसान कभी एक समय रोटी के लिए दाने दाने के लिए तड़पा था, उसे जब सब कुछ मिला तो अयाशी का भी शौक हो गया, और ये अयाशी के शौक में अपना बिटिया की इज्जत हम ही लूट गए ले। अरे बाप रे बाप, सुन के नीलम का ये भैया तबियत जस का तस भइल बा। लेकिन देखा वह विजय पांडे कह रहा है, बिटिया मैं बिटिया अपने मुंह से कहने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन बिटिया हमके तू वही जग गोली मार के हमके खत्म कर दा। बिटिया कह रही है क्या, अरे बोली मधु आप बाड़ा पिताजी हमार हो, आ कैसे उजारी अपने माई को सिंगार हो, अरे मारा तब नीलम वर किया इशारा बिटिया गा, अरे मारा तब नीलम वर किया इशारा बिटिया गा, आ गोली अपने हाथ सिनेमा में मारा बिटिया। इशारा कर रहा है वो विजय पांडे कि नीलम बिटिया के बोल दे हमें घुली मार देना तो हम ना जी पाई, बहुत बड़ा अपराध केले बानी, जो ना अपराध का सजा हमके ये है बाकी बिटिया अपना हाथ है हमके मार के खत्म कर दे, ना तो दुनिया में मुंह दिखावे लाग ए धरती पर रहे लायक हम काम ना केले बानी। बिटिया कह रही है ना कैसे हम मारी, अगर तोहरा के गोली मारत बानी तो हमारे माई का श्रृंगार उजर जाई। खैर देखे बाबूजी अंतदा में होता क्या है, मधु के नाम कैले धन दौलतिया, आ गोली मार के गोले से लगौले मऊवतिया, आ हो गई जीवन के वारा न्यारा बिटिया गा, अरे हो गई जीवन के वारा न्यारा बिटिया गा, अरे अपने हाथे गोली सिनेमा में मारा बिटिया।
जा रहे बाबूजी, बिटिया भी मना कर दी कि नहीं मैं नहीं मार पाऊंगी, मेरा हाथ कप मेरा हाथ कांप रहा है, अपने माई का श्रृंगार हम ना उजाड़ सकेला। आखिरकार भैया वो विजय पांडे गन लिया, गन लेकर के अपने ही हाथ से अपने सीना में गोली मार करके तुरंत वहीं पे अपना प्राण त्याग दिया। और ए भैया दोनों माँ बेटी फिर से बेहाल बेसुध भइल बाड़ी, रो रो करके बुरा हाल भइल बा कि आखिर मालिक तुहार गजब विधान है, जीवन में कुछ ना रहल कुछ दिहला फिर से तोड़ दिहला, फिर कुछ दिहला फिर से तोड़ दिहला, मालिक आपके जौन मंजूरी वही पे दुनिया के चले के है। ते भैया बिरहा समाप्त आखिरी लाइन की, जय जखार गुरु जद्दू जी की जय यमर फुलवारी, अरे गुरु श्री नारायण संग मितवा योध बिहारी, अरे विधानवा यजबे विधाना तोहरो, अरे विधानवा यजबे विधाना तोहरो, तब पूजा चंचल पाल के ऐसन बाटा रनमा विधानवा आजबे विधाना तोहरो।